खबर पौड़ी से है। डीएम आशीष पौड़ी में अंकिता भंडारी के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। डीएम के साथ ही एसएसपी भी अंकिता के परिवार से मिले। इस दौरान अधिकारियों ने अंकिता के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। डीएम का कहना है कि सरकार और प्रशासन अंकिता के परिवार की हर संभव मदद के लिए खड़ा है। हम लोगों ने विभिन्न चीजों पर चर्चा की और उनको जो भी सहायता दी जानी है उस संबंध में हमारी तरफ से उन्हें आश्वासन भी दिया गया, नंबर्स भी शेयर किए गए और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जल्दी से जल्दी जो है उन्होंने एक दो इश्यूज जो बताए उनके बेटे की स्टडीज़ और उन सबको लेकर तो हम लोग देखते हैं। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मल्ला महल से कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने के बाद व्यापारियों और लोगों को परेशानी होने लगी है। व्यापारियों का कहना है कि इससे इनका कारोबार चौपट हो गया है। वहीं नया कलेक्ट्रेट भवन दूर होने से स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहसील जनता के बीच में होनी चाहिए, लेकिन रातों रात जिस तरीके से तहसील को पांडेखोला शिफ्ट किया गया, थोड़ा सा देरी से हम ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जितनी परेशानी अल्मोड़ी की जनता को पांडेखोला जाने में हो रही है, नगर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वन वे है, सवेरे से लेकर शाम तक के एक काम नहीं होता है। आप ये लगाइए पूरी जनता, पेंशनर, व्यापारी वर्ग सब परेशान है और ये नगर की जनता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है और हम सभी चाहते हैं, नगर के व्यापारी चाहते हैं, नगर के जो संभ्रांत हमारी जनता है, नगर के आसपास के क्षेत्रों के जितने हमारे ग्रामीण लोग हैं सब यही चाहते हैं। कलेक्ट्रेट शिफ्ट होने की बात हुई थी, हमने तभी इस बात का विरोध किया था। जिस दिन ये बैठक जिला प्रशासन ने की थी, आज से मेरे ख्याल से 7-8 साल पूर्व, तभी हमने इसका विरोध किया था, लेकिन उस समय कोई लोग जागे नहीं, व्यापारी भी सुस्त पड़े रहे। लेकिन आज जब कलेक्ट्रेट चला गया है तो उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। व्यापार पर प्रभाव पड़ा है, आम नागरिकों पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इससे सब परेशान हैं। पिथौरागढ़ में गोल्फा बोना सड़क पिछले 6 महीने से बंद है, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। बरसात के दौरान सड़क बंद हो गई थी और इस पूरे मामले में एडीएम का कहना है कि पीडब्ल्यूडी को सड़क को जल्द खोलने के निर्देश दे दिए गए। काफी दिनों से ये रोड नहीं खुली है, सब संभवतः जब आपदा में बंद हुई होगी तब से नहीं खुली है ये गोल्फा बोना रोड जो है, और चूंकि ये संज्ञान में अभी आया है, इसमें PWDDR डायरेक्शन थपलिया जी से बात करेंगे और उसको तत्काल 1-2 दिन के अंदर खुलवाएंगे। एसडीएम साहब मुंशियारी को भी इसमें अवगत करा दिया गया है। रुद्रपुर से अगली खबर है। प्रकाश पर्व के मौके पर रुद्रपुर में नगर कीर्तन निकाला गया और इस दौरान शहर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने फूलों की बारिश की। नगर कीर्तन में सबसे आगे पंच प्यारे चल रहे थे, उसके बाद हजारों स्कूली बच्चे कीर्तन करते हुए इस तरीके से दिखाई दिए। कवि दरबार है जो रात को 8 बजे से लेकर 10:30 बजे चलेगा और परसों 8 बजे से लेकर और रात को 12 बजे तक कीर्तन समागम होगा, जिसमें पंत के परिचित रागी जत्थे, कविसर जत्थे, कथावाचक पहुंच रहे हैं और गुरु का लंगर अतुल वर्तेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।